है गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं अकेली हूँ और ये क्या इतने सुबह सुबह मैं क्या कर रही हूँ। तो यस, तो मैं अभी जॉगिंग के लिए निकली हूँ। ऑब्वियसली यहाँ पहला दिन है मेरा आज, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा है। मैं इतने दूर से यहाँ तक आ रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी हूँ, तो उसके लिए मुझे अपना फिटनेस करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या है, मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ कि मैं डाइट करूँ, योगा करूँ, एक्सरसाइज वगैरह करूँ, लेकिन उसमें से मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा क्यों ना जॉगिंग स्टार्ट करूँ, क्या पता ब्लॉगिंग के बहाने मैं जॉगिंग करना स्टार्ट कर दूँगी, तो इससे क्या मेरा वो रूटीन में ऐड हो जाएगा जॉगिंग। तो यही सोच के मैंने स्टार्ट कर दिया ब्लॉगिंग। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ ललिता पार्क के पास, जो मेन रोड है, और मुझे समझ नहीं आ रहा, और मैं वो भी अकेली आई हूँ। सुबह सुबह 6 बज रहे, खैर 6 बजे निकली थी, अभी छः बज के कितने मिनट हो रहे होंगे, आई मीन 40 मिनट हो रहा होंगे। तो ऊपर से मुझे कोल्ड भी है, तो इसलिए मुझे और ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। इनफैक्ट मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ कि ना मुझसे चला भी नहीं जा रहा, और मैं अभी तक पहुँच ही नहीं हूँ लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन, और मेरे चेहरा तो बुरा हालत हो ही रहा है, बहुत गंदी लग रही हूँ मैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं जॉगिंग करने के लिए मैं कहाँ कहाँ तक आई हूँ, और लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन जब वापसी करूँगी तब मैं आपको ना यहाँ का हमारे ललिता पार्क के सामने ना एक व्यू है जो कि बहुत सुंदर व्यू है, तो मैं आप लोगों को वो व्यू दिखाऊंगी कि वहाँ का व्यू कैसा है। तो अभी जाते वक्त जॉगिंग करूंगी, आते वक्त मैं आप लोगों को एक तो मैं 10-15 मिनट पार्क में बैठूंगी, बैठने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा व्यू है यहाँ का। ख्याल मैं जब भी मतलब मैं ना स्कूल आती थी तो मैं यहीं से आती थी, तो मैंने इतना व्यू नहीं देखा, सिर्फ रोड रोड ही देखती थी सुबह सुबह। इनफैक्ट अभी विंटर का मौसम चल रहा है। सो गाइस, ये ललिता पार्क के मेन रोड है जहाँ पर छोटा सा एक मंदिर है, और ये यहाँ से दो रास्ता, एक सीधा रास्ता जाता है लक्ष्मी नगर की तरफ, और दूसरा रास्ता जाता है नोएडा, ITO या फिर घेवड़ा। आपको कहीं पर भी जाना है तो आप इस तरफ से जा सकते हो, इस रास्ते की तरफ से। तो गाइस, जो मैंने अभी रास्ता दिखाया है, यहाँ से सीधा 15 मिनट की दूरी पे लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन है। तो इनफैक्ट मैं क्या बताऊँ, अगर मैं पैदल जाऊँगी तो मुझे यस 20 मिनट लग जाएंगे, ऐसे स्पीड में जा रही हूँ, तो अगर मैं जॉगिंग करते करते जाऊँगी तो मैं शायद 5 मिनट में पहुँचूँ। तो फिर मिलते हैं जॉगिंग के बाद। मैंने कहा था कि मैं 5 मिनट में पहुँच जाऊँगी, बट ऐसा नहीं हुआ। मैं सच बताऊँ, मेरा इतने टांगों में दर्द हो रहा, इनफैक्ट इतनी सांस फूल रही है, समझ नहीं आ रहा करूँ या ना करूँ, क्योंकि गाइस ये मेरा पहला दिन है जो मैंने कभी लाइफ में जॉगिंग नहीं करा, और मेरे टांगों का सत्यानाश हो चुका है। तब भी जो मेरा टारगेट था, मतलब था नहीं है, उसे मैं पूरा करूँगी, चाहे मुझे पैदल ही जाना हो, मैं तब भी जाऊँगी लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन। वहाँ तक जाने के बाद वहाँ से रिटर्न आते हुए पूरा पैदल जाऊँगी, फिर मैं पार्क में बैठूँगी, आई मीन 5-10 मिनट के लिए बैठूँगी, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करूँगी वहाँ पर। मेरे घर के पास एक छोटा सा पार्क है, लेकिन अब मुझे वहाँ पर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि मुझे वहाँ पर एम्बैरेसिंग फील होता है, मुझे नहीं पता क्यों, बट हाँ सब लोग मुझे घूर घूर के देखते हैं, दैट्स वाई। और अभी भी इनफैक्ट देख ही रहे सब लोग रोड में, पता नहीं कौन पागल सी ये आ गई है, और फोन के साथ ही अपने मतलब बकबक कर दिए, स्टार्ट कर दिया। मैं आप लोगों को सन दिखाती हूँ यहाँ का सन। तो गाइस ये देखो सन, वाह देखो पूरी दुनिया ना, और ये पूरे पेड़ के गाछ, वाह ये पूरे बीचों बीच यहाँ पर पहुँच गया, अमेजिंग लग रहा है ना, कि अभी सभी शाम होने वाली है। गाइस यहाँ पर ना रोड पे, मेन रोड पे आ गई हूँ मैं, तो मतलब लक्ष्मी नगर के सामने वाली रोड पे। तो यहाँ पर ना
एक रिस्क होता है कि आपका फ़ोन भी कोई भी उठा के गायब कर दे, तो मैं इसलिए सिर्फ इतना देख रही हूँ। दो लेडी है वो पूरे मस्ती करते करते आ रहे, देखा कोई होता ना साथ में तो मस्ती करने का मज़ा ही अलग होता है। मैं अकेली हूँ तो मुझे बिल्कुल भी मजाक करने का मन नहीं करा। मैं आपको दिखा दूँ, लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन आ गया है, तो मैं आपको दिखा दूँ कि लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन आ गया। मैं यहाँ से रिटर्न हो रही हूँ, सी वो सबसे लास्ट में है। चलो अब सीधा पार्क में जाके मिलेंगे एक्सरसाइज करते वक्त। तो गाइस अभी ना 7 बजने वाले हैं और मेरी मम्मा ने कहा था कि ना सीधा 7 बजे घर पे पहुंच जाइयो, तो मुझे नहीं लगता मैं पार्क में रुक पाऊँगी। अगर मैं पार्क रुकी तो मैं 8 बजे तक ही जा पाऊँगी घर। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सीधा आप लोगों को व्यूज़ दिखाती हूँ, व्यूज़ दिखाने के बाद मैं सीधा घर निकल जाऊँगी। तो गाइस मैं ना ललिता पार्क के सामने जो एक पुल होता है जो मेन रोड को क्रॉस करने के लिए हेल्प करता है, तो मैं उसमें उड़ गई हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को व्यूज़ दिखाना था, दैट्स वाई। तो मैं उस तरफ जा रही हूँ, वरना मेरा घर तो इस तरफ ही है, तो वहाँ का व्यू ज़्यादा अच्छा है, यहाँ से अच्छा तो वहाँ का व्यूज़ है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना वहाँ पर पहले पहुँच जाऊँ, मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखाऊँगी, कोशिश करूँगी कि अच्छा से अच्छा दिखाऊँ। अभी ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगी, बहुत लेट हो चुका है, इसलिए जो बेसिक सा जो व्यूज़ है ना वो दिखाऊँगी। और मैं इतनी थक गई हूँ, ऐसे तो है मन कर रहा है अभी घर जाऊँ और सो जाऊँ, जो कि मेरे लिए पॉसिबल है, सो ही नहीं सकती क्योंकि अगर सो गई तो जॉब पे नहीं जा। तो ये हमारा पहला व्यूज़ है, ये देख, जब मैंने देखा आया था मैं नीचे थी, अब मैं ऊपर हूँ भगवान के पास। नहीं ये वाह, मतलब 5 बजे आके देखो ना तो और सुंदर लगता है। इनफैक्ट अभी तो ज़्यादा खास नहीं लग रहा, बट ठीक है, अच्छा है। ये देखो पप्पी, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं मतलब मेरे पर काट खाएगा, जो कि मुझे बहुत डर लगता है। ये है मेन ललिता पार्क, जो बिगेस्ट से बिगेस्ट बहुत अच्छा है, मतलब ऐसा है भाई। गाइस पता नहीं क्यों मुझे डर से लग रहा है, अगर मैं गिर गई मेरा फोन गिर गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मर जाऊंगी और क्या। वाओ और डॉगी हवा सी, एक तो मुझे इतना डर सा लग रहा है ना कि फोन ना गिर जाए मेरा, लेकिन व्यूज अच्छा है। गाइस मुझे सीरियसली नहीं पता मुझे क्यों डर लग रहा है, लेकिन डर लग रहा है। एक होता है ना वो एक कहावत है ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो मुझे ना अभी वही फील लग रहा है कि नज़र घटी दुर्घटना, आई मीन नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो मेरा मन नहीं कर रहा, और एक तो सनलाइट हो रहा है ना, तो मैं सोची यहाँ पर 5-10 मिनट के लिए मतलब खड़ी मतलब वेट करूँ जिससे कि ना सनलाइट मेरे ऊपर आए। मैंने सनलाइट ले लिया है, आई मीन ऑब्जर्व कर ले, तो मैं आपको व्यूज़ दिखाती हूँ यहाँ का जो व्यूज़ है वो कैसा है। गाइस यहाँ का व्यू ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि ना अब सुबह सुबह आओगे ना 5 बजे या फिर 5:30 AM को, तो आपने बहुत अच्छा व्यूज़ होता है। ये छोटा सा एक बर्ड जो कि बहुत लेयर है, बहुत कम मिलता है ये वाली पक्षी, तो मुझे मैं जब भी स्कूल आती थी ना तब मुझे ये दिखता था हमेशा ही, कभी ना कभी दिखता था, डेली नहीं दिखता ये, तो वीडियो बनाते वक्त मुझे ये दिख गया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो आपको ये पक्षी देखते हो मतलब आपके घर के आसपास, या फिर आप जहाँ पर रहते हो या फिर कहीं जाते हो तो आपको दिखता है, तो मुझे कमेंट में बताना। और ये पपी, मुझे पपी बहुत प्यारे लगते हैं, बट मुझे डर भी लगता है कहीं वो मुझे सब लोग मुझे देख रहे हैं क्यों, ये पागल पता नहीं कहाँ से भाग के आई है, कैमरे के आगे बोली जा रही है। तो मैं आप हर किसी को बोल तो नहीं सकती ना कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, आई एम अ ब्लॉगर, तो ऐसा होता है। तो ना पीछे से सनलाइट हो रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ना फ्रंट में तो मैंने वो सनलाइट ले लिया था, आई मीन सन ब्रीथिंग कर लिया था, बाथिंग समझ लिया कुछ भी, तो बैक साइड भी हो रहा है, आई मीन मेरे पीछे की तरफ से भी हो रहा है,
तो नाउ आई हैव, तो अब मैं रोड पे तो जा रही हूँ, अब मुझे लगता है 7 बजे या मुझे घर जल्दी से जल्दी पहुँचना है। मेरे घर लगभग यहाँ से पूरा आधा घंटा दूर है, पूरा 30 मिनट का रास्ता है मेरे घर का यहाँ से। तो मैं बहुत स्लो चल रही हूँ, मैं आप लोगों को व्यूज़ दिखाऊंगी आज, चाहे कुछ भी हो जाए दिखाऊंगी तो दिखाऊंगी। देखो डॉगी, यार ये तो बहुत सारे डॉगी है, ये डॉग है ना वो मुझे देख लेते हैं, और मुझे डर भी लग रहा था कि मेरे पे भगवला करने लग जाए, तो सही था आज का दिन। तो भगवान जहाँ भी जा रहे सारे कुत्ते कुत्ते आ रहे, मम्मी ये कुत्ता मुझे देख रहा था। ओह गॉड, फिर से आ गया, देखो फिर से आ रहा है, अब तो कुछ करेगा नहीं। खैर क्या हो गया, से मेरे पीछे ही पड़ गई, आगे से भी एक के पीछे से भी एक के। चौकीदार है क्या वो मेरा, पता नहीं क्या है। जितने भी डॉग्स है ना वो कंफ्यूज हो रहे कि लेडी कौन है, आई कहाँ धोती है यार, सामने भी एक पीछे भी एक दाएं तरफ भी एक, सी देखा, और एक पीछे है मेरे, हाँ वो तो पीछे ही पड़ गया। मैं ना ऊपर चढ़ जाऊँ क्योंकि बस आ रही है ना, तो कहीं पता नहीं कहीं ठुक जाऊँ मर जाऊँ तो कौन बचाएगा। मैं क्या करूँ, ये कुत्ते लोगों ने मुझे घेर, ये जितने भी डॉग्स हैं इन्होंने मुझे घेर लिया है, आज सुबह मुझे बहुत डर लग रहा है, हल्के से भी चुन हुआ ना तो ये मुझे काट खाएंगे। मैं इनको छू भी नहीं सकती वरना ये मुझे खा जाएंगे। सो गाइस, ये शकरपुर थाना पुलिस स्टेशन के पास में ये गुरुद्वारा है, पुलिस स्टेशन के ठीक पीछे मेरा एक छोटा सा स्कूल है। तो ये सब पास जाओ, तो ना यहाँ का ये व्यूज है मस्त है ना, ये पूरे में पानी पानी भर गया है, और इधर भी यहाँ से सीधा जाऊँ तो जमुना नदी का ना, आई मीन जमुना बोल रही हूँ, यमुना नदी का वो नदी है सीधा सीधा, तो आप नहीं जाएंगे। ये देखो यमुना नदी, और ये भी है, आओ वाह यार, ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये पहले भी ऐसा था क्या। लेकिन जो जो भी है बहुत अच्छा है ना, ये पता नहीं क्या है, यहाँ पर गांव वाली फीलिंग आ रही है, मतलब कि जो भी लग रहा है अच्छा लग रहा है। वाह, मैं ना आप लोगों से इतना ही दिखाऊंगी अभी के लिए, क्योंकि आई एम टू लेट, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, तो फटक से देखते हैं और फटक से घर जाते हैं। तो मैं थोड़ा मतलब मैं कोशिश करी करीब जाऊँ इन लोगों के, इन पक्षियों के पास, और वाओ इट्स सो अमेजिंग यार, मज़ा आ गया। ये ना रास्ता था, अभी बारिश हुई है एक हफ्ता लगातार यहाँ पर, मुझे लगता है इस तरह से यहाँ का पानी भर गया है। ये तो सनलाइट, ये पता नहीं मुझे तो दिखाई भी नहीं दे रहा, आपको दिखाई दे रहा तो बता दो। ये मैं यहाँ से आई थी, ये देखो व्यूस, आओ मेरा हाथ उग गया है। तो अब कुछ तो मैं ये कह रही थी ना कि गाइस देखो, अगर आप मोटे हो हेल्दी हो तो आप कभी किसी की मत सुनना, अगर आप ये सोच के पतले होना चाहते हो कि नहीं यार दुनिया वाले कह रहे यार मैं इतनी हैवी इतनी मोटी हूँ, तो दुनिया वाले ये मत सोचना कि दुनिया वाले आपको खाने नहीं देते, दुनिया वाले आपको रहन सहन के तरीके नहीं बताते, सिर्फ आपको बता होता है कि आपको कैसे फिट रहना है, कैसे क्या करना है, आपकी हेल्थ की इशू क्या है आपको पता है। अगर आपको लग रहा है कि आपको पतला होना है तो मतलब आप कोशिश करो, जॉगिंग करो, डाइटिंग मत करो, खाने में हल्का सा लाइटली कंट्रोल करो, तो इससे ना आप अपना वज़न भी लॉस लूज़ कर सकते हो।
तो मैं भी वही कर रही हूँ, मैं दुनिया की वजह से नहीं कर रही हूँ, मैं खुद के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं पतली हूँ, स्लिम देखूँ। मुझे नहीं पता कि ये सपना सपना ना रह जाए। चलो कोई नहीं, तो आपको वीडियो कैसे लगा, आई मीन ब्लॉग कैसे लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट में बताना कि आपको कैसे कैसे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, मैं वैसे लेके आऊँगी। और मैं बहुत गंदी लग रही हूँ, पसीना पसीना हो रहा है पूरा बॉडी, फटक से जाना घर, फटक से रिलैक्स फील करना है। तो वीडियो डी एन हैप ही कर रही हूँ, मेरा घर यहाँ से 15 मिनट की दूरी है पैदल। और सच बताओ आई फील टायर्ड नाउ, तो पहले उठ जाओ फिर बोलूँगी। हाँ तो वीडियो यहीं तक था, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और मिलेंगे वीडियोस ऐसे आपको। बस तो बाय बाय, टेक केयर। कोविड का अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत अच्छे से पता है सब कुछ, तो रास्ता भूल गया, भूल ही नहीं हो। फिर से मेरे पूर्वज, नहीं पूर्वज नहीं है, डॉग वगैरह इधर आ रहे हैं। तो वीडियो यहीं तक है, बाय बाय, तो मिलते हैं